नाज़रीन अकराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुरैदा असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बाप से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को यूँ दुआ करते हुए सुना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुक बिअन्नी अशहदु अन्नका अंतल्लाह لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد। या अल्लाह, मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ क्योंकि मैं गवाही देता हूँ कि तू अल्लाह है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू एक है, तेरी ज़ात बेनियाज है, ना तू किसी की औलाद है, ना तेरी कोई औलाद है, ना ही तेरा कोई शरीक है। अब्दुल्लाह बिन असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाप कहते हैं, ये दुआ सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, इस आदमी ने इस्मे आज़म के वसीले से दुआ मांगी है, और इस्मे आज़म के वसीले से जब दुआएँ मांगी जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जरूर पूरा करता है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। वोटों की गिनती के लिए तमाम उम्मीदवारों के साथ काउंटिंग अमला औहदेदार काउंटिंग एजेंट सुबह पॉलिटेक्निक ग्राउंड में हाजिर हुए। इंतखाबात कामयाबी से मुकम्मल करने में टाउन के हर एक शख्स का शुक्रिया अदा किए जिले कलेक्टर व इलेक्शन ऑफिसर राम मोहन राव। निजामबाद अर्बन हलके में की गई तरक्की मुझे कामयाब बनाई है, बिगाला गणेश गुप्ता ने बताया। 20,401 वोटों की अक्सरियत से बिगाला गणेश गुप्ता ने कामयाबी हासिल की। बोधन हल्का असम्बली में शकील आमिर को दूसरी बार वहां के अवाम ने कामयाबी दिलाई। 8,262 वोटों की अक्सरियत से शकील आमिर अपने मुखालिफ उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी पर कामयाबी हासिल की। शहर हैदराबाद में MIM जमात ने 8 मुकामात पर अपने उम्मीदवार नाफिज किए, जिसमें से 7 मुकामात की जीत हासिल हुई। रियासत पर 7 दिसंबर को राय दहिंदगी अमल में लाई गई थी। उसके नतायज के लिए 11 दिसंबर को वोट काउंटिंग रखी गई, जिसमें TRS गवर्नमेंट्स को MIM का साथ दिखाई दिया। तेलंगाना रियासत के कारगुजार CM KCR को MIM के सदर असदुद्दीन अवैसी साथ देते हुए कदम कदम मिलाकर चले, और रियासत तेलंगाना में कारगुजार CM KCR MIM सदर असदुद्दीन अवैसी हिम्मत अफजाई का शुक्रिया अदा करते हुए इन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज SC ST और BC को और रियासत के अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए MIM जमात का भी शुक्रिया अदा किए, और कहा कि भारी तादाद में TRS के सदर चंद्रशेखर राव ने कहा कि इससे दूसरी मरतबा हमारी हुकूमत का ऐलान हुआ, जिसमें हमारी रियासत की अवाम हमसे खुश नजर आने की वजह से भारी माइनॉरिटी से जीता कर लाई, जैसे कि अपोजिशन की जमात महाकुडानी और BJP सब मिलकर कोशिश करते हुए माजूर हो गए, और इन्होंने कहा कि जिसका खुदा साथ देता है उसका कोई भी दुश्मन बाल भी बाका नहीं करेगा, और आज हमारी रियासत में हमारी अवाम हमको जीता कर लाई, और हमारी हुकूमत जब तक रहेगी तब तक हम अवाम को खुश रखेंगे और मेरे किए गए वादों पर ठहरा रहूंगा। इन्होंने कहा कि MIM के सदर असदुद्दीन अवैसी 8 मुकामात पर कैंडिडेट ठहरे, जिसमें से 7 सीट जीत कर आए हैं। इन्होंने असदुद्दीन अवैसी को मुबारकबाद पेश की, और हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मैं कारपोरेटर हूं। आज अल्लाह पे भरोसा है हमको कि अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना गवर्नमेंट फॉर्म करने वाली है TRS, और अल्हम्दुलिल्लाह हम निजामाबाद की सीट को भारी अक्सरियत से कार के निशान को वोट देके मुसलमान जिताएंगे इंशाल्लाह। ये अल्लाह पे हमारा भरोसा है, ईखान है, और हमारे साहब बड़े साहब की हिदायत पर, जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर निज़ामाबाद के तमाम डिवीज़नों के कारपोरेटर्स ने अल्हम्दुलिल्लाह TRS का साथ दिया,
और मुसलमानों से अपील की कि वो टीआरएस के हक में वोट दें। वोटों की गिनती के अमल का हर वक्त इतला देने मीडिया सेंटर कायम किए, ओहदेदार वहां से इतला देने से जर्नलिस्ट रिपोर्टिंग किए। पॉलिटेक्निक मैदान में इंजीनियरिंग ब्लॉक में इंतखाबात के नतीजे के मुतालिक मीडिया सेंटर कायम किए। वीडियोग्राफर, कैमरामैन, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम अवामी नुमाइंदे ने नतीजे की राह देखने के लिए दूसरे मुकाम से पहले निजामाबाद में नतीजे आने में देरी हुई है, थोड़ी मुश्किलात का सामना किए। मीडिया के अवामी नुमाइंदों को जिले इलेक्शन ऑफिसर राम मोहन राव समझा दिए। बाद में हलका असम्बली के लिहाज से लाइनिंग अहदेदारों को कायम करके कोऑर्डिनेशन किए हैं। రేకులపల్లి భూపతి రెడ్డి మూడు రెండు రౌండ్లు పూర్తయ్యాయి, 6657 6657 రేకులపల్లి భూపతి రెడ్డి 6657 ఓట్స్ సాధించడం జరిగింది. కాసుల శ్రీనివాస్ 1042, గగులాన్ బాలరాజ్ 78, గగులాన్ బాలరాజ్ 78, నూర్ జహాన్ 34, మల్లెమ్మ। असेंबली इंतखाबात में एमआईएम पार्टी 7 मुकामात पर कामयाबी हासिल करने पर आरमोर मंडल पेरकेट गांव में एमआईएम पार्टी की क्यादत में फटाखे फोड़कर जश्न मनाए। इसी सिलसिले में पेरकेट एमआईएम के सदर एमपीटीसी जहीर अली ने बताया कि एमआईएम पार्टी 8 मुकामात पर मुकाबला करने पर 7 मुकामात पर कामयाबी हासिल की है। माइनॉरिटीज अपने इतिहाद का मुजाहरा किए हैं। एमआईएम पार्टी को हराने के लिए अजीम इतिहाद कई फिरका वाराना माहौल बनाकर अपने मकसद के मुकाम पर कामयाबी हासिल की है। इसके लिए एमआईएम पार्टी के सदर अकबरुद्दीन अवैसी असदुद्दीन अवैसी को मुबारकबाद देते हैं। इस प्रोग्राम में एमआईएम आरमोर के सेक्रेटरी अब्दुल खालिक अब्दुल्ला, माजिद, सुमेर, कायदीन और दीगर ने हिस्सा लिए। मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन ने फिर से 7 सीटों के ऊपर अपनी कामयाबी दर्ज की है। आज मुखालिफीन मजलिस फिरका परस चाहते थे कि मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन को तेलंगाना रियासत से सफाया किया जाए। आप देखते रहे कि सारे इलेक्शन कैंपेन के अंदर बीजेपी, कांग्रेस, टीडीपी सारी जमातें मिलकर मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन को कमजोर करना चाह रही थी, लेकिन मैं सलाम करता हूँ मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की दूरअंदेशी को, हिकमत अमली को। आज रियासत तेलंगाना के अंदर टीआरएस हुकूमत फिर से बरसेदार आई है। आरमोर शहर में नए बस स्टैंड में आरटीसी बस टकरा जाने से हादसा में नामालूम ज़ाइफ फौत हो गई। पुलिस के कहने के मुताबिक तफसीलात इस तरह है। सुबह 6 बजे से 7 बजे के दरमियान बस स्टैंड में आ रही आरटीसी बस टकरा जाने से नामालूम ज़ैफ खातून मौके वारदात पर ही फौत हो गई। सर पर से टायर चले जाने से चेहरा तमाम नाकाबिले शनाख्त नहीं है। ये ज़ैफ तकरीबन 70 साल की होगी। बस स्टैंड इलाके में मौजूद सीसी फुटेज का मुआयना कर रहे हैं। पुलिस ने बताया केस दर्ज करके ये नाश को पोस्टमार्टम की गर्ज से आरमोर सरकारी दवाखाना मुंतकिल किए हैं। एसआई यादगिरी गौर ने बताया ज्यादा फीस वसूल कर रहे कॉलेजों पर महकमा तालीमात के ओहदेदार कार्रवाई करें। आरमोर पीडीएसयू डिवीजन के सदर नरेंद्र ने मुतालिबा किए। आरमोर शहर में कुमार नारायणा भवन में पीडीएसयू की जानिब से अखबारी नुमाइंदों का इजलास कायम किया। इसी सिलसिले में नरेंद्र वो तलबा ने बताया कि नरेंद्र डिग्री कॉलेज में तलबा से सबसे ज्यादा फीस वसूल कर रहे, इसी पर इंतजामिया से सवाल करने पर कोई ताल्लुक के बगैर बात कर रहे हैं। इस पर महकमे तालीमात के अहदेदार हरकत करके कार्रवाई करने का मुतालबा किए। इस प्रोग्राम में पीडीएसयू कायदीन तलबा वगैरह ने हिस्सा लिए। विद्यार्थियों एडमिशन अयिनटुवंटि संदर्भंलो मीकु एटुवंटि डोनेशन कावच्चु, एटुवंटि अडमिशन फीजु कावच्चु, रीइंबर्समेंट्स डिफरेंट अमौंट कूडा एदु कट्टाल्सिन अवसरं लेदु। मीरु खाली अडमिशन अयिते चालु अन्नटुवंटि कान्सेप्ट लो आ रोजु मात्लाडि ई रोजु एदो ओक तोक पेर्लतोने విద్యార్థుల పైన ఫీజు భారం మోస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు నరేంద్ర డిగ్రీ కాలేజ్ ఉంది. ఏదైతే ఈ వసూలు చేసినటువంటి ఫీజు రిఫండ్ చేయాలి. అదేవిధంగా విద్యార్థులకు తల్లిదండ్రులకు పీటీఎస్గా మేము తెలియజేసేది ఏంటంటే, ఏదైతే నరేంద్ర డిగ్రీ కాలేజ్లో కూడా వసూలు చేసినటువంటి ఫీజులు మీరు చెల్లించాల్సినటువంటి అవసరం లేదని చెప్పేసి కూడా మేము తెలియజేసాం। బోధన్ హల్కా అసెంబ్లీ మే షకీల్ ఆమీర్ కో దూసరీ బార్ మహాకే అవామ్ నే కామ్యాబీ దిలాయ్। 8,262 वोटों की अक्सरियत से शकील आमिर अपने मुखालिफत उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी पर कामयाबी हासिल किए।
बोधन हल्का असम्बली में जुमला 11 उम्मीदवार मुकाबला किए। इनमें TRS उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला मोहम्मद शकील आमिर को जुमला 74,682 वोट आए हैं। मुखालिफ कांग्रेस उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी को 66,420 वोट पोल हुए। बीजेपी उम्मीदवार अलजापुरी श्रीनिवास को 381 वोट, पांडू को 1359, गोपी किशन को 2,419, विपा को 677, जीवन नायक को 385, मोहम्मद यूसुफ को 278, विक्रम रेड्डी को 342, नवाज पाशा को 796 वोट, मोहम्मद शर्जिल परवेज को 615 वोट आए। नोटा को 1834 अफराद डाले। जुमला 15,08,213 वोट पोल हुए। इनमें शकील आमिर को 8,262 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। धन्यवाद पेर पेरना मरी TRS पार्टी ओक कुटुंब सभ्युलु कार्यकर्तलु रात्रि पगलु कष्टपड़ुतु 100 रोजुल नुंचि ई रोजु चाला हार्ड वर्क चेस्तु ना ओक गेलुपुकि मल्ल वारु कूडा दींट्लो भाग्यस्वामुलु उन्नारु काबट्टि वारिकि अंदरिकि कूडा पेर पेरना प्रत्येक धन्यवादालु तेलियजेस्तु मल्ल नियोजकवर्गंलो मरिंत पटिष्टंगा मरिंत अभिवृद्धि चेसे विधंगा ఈ రోజు మిగిలిన ప్రాజెక్ట్స్ కానీ మిగిలిన పనులు కానీ ఈ అన్ని కూడా మళ్ళీ పూర్తి చేసే విధంగా అన్ని విధాలుగా కృషి చేసి నియోజకవర్గ ప్రజల సేవలో ఎప్పుడు కూడా వారితో ఉంటానని వారికి నియోజక బోధన నియోజకవర్గ ప్రజలందరికీ కూడా నేను హామీ ఇస్తూ మళ్ళీ బోధన నియోజకవర్గాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే ఒక ఆదర్శ నియోజకవర్గంగా ఈరోజు తీర్చిదిద్దామని కూడా తెలియజేస్తూ మళ్ళీ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి మరియు కవితక్క గారికి మళ్ళా హరీషన్న గారికి మళ్ళా కేటి రామారావు అన్న గారికి పార్టీ పెద్దలందరికీ కూడా వేరు పేరున అందరికీ కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. జై తెలంగాణ. నిజామాబాద్ అర్బన్ హల్కే మే క్యా తరక్కీ ముజే కామయాబ్ బనాయి హై బీగాలా గణేష్ గుప్తా నే బతాయా. 20,401 వోటోం కీ అక్సరియత్ సే బీగాలా గణేష్ గుప్తా నే కామయాబీ హాసిల్ కియే. निजामाबाद अर्बन हलके में जुमला 12 उम्मीदवार मुकाबले पर ठहरे थे। इनमें TRS के एमएलए उम्मीदवार मुकाबला करने पर 62,453 वोट आए हैं। मुखालिफ कांग्रेस उम्मीदवार ताहिर बिन हमदान को 42,052 वोट पोल हुए। 20,401 वोटों की अक्सरियत से TRS उम्मीदवार बीकाला गणेश गुप्ता ने कामयाबी हासिल की। BSP उम्मीदवार रमेश को 1,175 वोट आए। BJP उम्मीदवार लक्ष्मी नारायणा को 19,356 वोट आए। बाकी उम्मीदवार अब्दुल रहीम को 148, मोहम्मद इस्माइल को 2,731 वोट पोल हुए। अरविंद को 96, रघुनाथ को 124, प्रशांति को 461, बी श्रीनिवास को 537, ख्वाजा मोहिनुद्दीन को 276, लक्ष्मा रेड्डी को 642, प्रसाद को 61 वोट पोल हुए। बीगाला गणेश गुप्ता 20,401 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। गौरव मुख्यमंत्री KCR गारु, TRS पार्टी अध्यक्षुलु నాకు రెండవసారి ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేయడానికి అవకాశం ఇచ్చి ఆశీర్వదించి పంపించినందుకు మరి నిజామాబాద్ నగర ప్రజలు 25,841 మెజార్టీ భారీ మెజార్టీతో గెలిపించినందుకు వారందరూ కూడా శిరస్సు వంచి నేను నమస్కరిస్తూ ఉన్నా. మీరు ఇచ్చినటువంటి ఈ ఆశీర్వాదం తప్పకుండా మీరు ఇచ్చినటువంటి చూపించినటువంటి ప్రేమ మీ నమ్మకాన్ని నేను నిలబెడతా. ఎన్నో సందర్భాల్లో హైదరాబాద్ తర్వాత నిజామాబాద్ నగరాన్ని అందంగా తీర్చిదిద్దుకుందామని చెప్పేసి నేను చెప్పిన ఆ నమ్మకాన్ని నిలబెడతా. వచ్చే కొన్ని సంవత్సరాల్లోనే అంటే మళ్ళీ 2019 వరకు మీకు సారీ 2024 మళ్ళీ ఎలక్షన్ వచ్చే వరకు కూడా మీకు బ్రహ్మాండంగా ఒక మంచి నగరాన్ని చేసి చూపిస్తా అని చెప్పేసి నేను తీర్పుకుంటూ మీరు ఇంత మంచి తీర్పు ఇచ్చినందుకు శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తూ జై తెలంగాణ. इंतखाबात कामयाब से मुकम्मल करने में ताउन किए हर एक शख्स का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जिले कलेक्टर व इलेक्शन ऑफिसर इमरान मोहन राव ने एक ऐलान में बताया। मंगल के दिन पॉलिटेक्निक कॉलेज में मुनाकिद किए वोटों की गिनती में वो सुबह से रात तक जायजा लिए। जहां भी जरूरत पड़ी मसला पैदा होने पर मुकाम जगह पर पहुंचकर एक्सरे करते हुए अहदेदारों को जरूरी कार्रवाई के लिए अहकाम जारी किए। मसले की एक्सरे किए, हर राउंड तमाम काउंटिंग सेंटर का दौरा करते हुए नतायज का मुआयना किए। इंतखाबी पोलिंग काउंटिंग मुकम्मल होने से अहदेदार अमला महकमे पुलिस वोटर्स उम्मीदवार अवाम इलेक्शन नोटिफिकेशन जारी किए। जब से हर तरह से ताउन किए इन तमाम का शुक्रिया अदा कर रहे हैं।
वोटों की गिनती के लिए तमाम उम्मीदवारों के साथ काउंटिंग अमले ओहदेदार काउंटिंग एजेंट सुबह पॉलिटेक्निक ग्राउंड में हाजिर हुए। निजामाबाद शहर पॉलिटेक्निक मैदान में कायम किए काउंटिंग सेंटर के पास सुबह सवेरे काउंटिंग एजेंट फॉर्मूला पहुंचा था। गुज़िश्ता कभी नहीं की तरह इस बार इलेक्शन कमीशन के अहकाम के मुताबिक जिले इंतजामिया मजबूत इंतजाम किया है। पुलिस का सख्त बंदोबस्त कायम किए मुकम्मल सतह पर 3 गुना हिफाजती इकदाम के दरमियान गिनती किए अहम गेटों के पास 3 मुकामात पर पुलिस चेकिंग की है। इलेक्शन अहदेदार जारी के पास रहने पर अंदर जाने की इजाज़त दी। सेल फोन पर मुकम्मल पाबंदी आयद की एक वक्त मीडिया को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी। आखिरकार जिला इलेक्शन ऑफिसर कलेक्टर राममोहन राव सी पी कार्तिकिया खुद आकर मसले की एक्सवे करके मीडिया को मरहले तौर पर अंदर जाने की इजाज़त दी। सुबह 8 बजे वोटों की गिनती का प्रोग्राम शुरू हुआ। जिला इलेक्शन नतीजे मिलने में कुछ वक्त लगा। जिले मुस्तखर पॉलिटेक्निक मैदान में निजामबाद अर्बन रूरल बोधन बांसवाड़ा और मुरहल खजात के मुतालिक काउंटिंग सेंटर यहां कायम करके मुनाकिद के काउंटिंग के लिए डिपार्टमेंट सुपरवाइजर 120 सुपरवाइजर 120 114 मुजबरीन ने हिस्सा लिए। हल्के असम्बली को 14 के हिसाब से टेबल कायम किए। हर राउंड को 45 मिनट का वक्त लिए। पहले आर्मुर हल्के में 211 पोलिंग मराकज की काउंटिंग 16 राउंड में मुकम्मल किए। बोधन को 249 पोलिंग मराकज को राउंड 18 वोटों की गिनती हुई है। बांसवाड़ा 223 पोलिंग मराकज को 16 राउंड हुए हैं। बांसवाड़ा के 223 पोलिंग मराकज को 16 राउंड काउंटिंग हुई है। निजामबाद अर्बन हल्के के 249 पोलिंग मराकज को 18 राउंड काउंटिंग हुई है। रूरल हल्के के 272 पोलिंग मराकज में काउंटिंग के लिए 20 राउंड पूरे किए। बालकोंडा हल्के के 249 पोलिंग मराकज को 18 राउंड काउंटिंग हुए। वोटों की गिनती को हर हल्के असम्बली को सुपरवाइजर 20 डिपार्टमेंट सुपरवाइजर 19 मुजबरीन 20 मराकज के मुजबरीन के हिसाब से ड्यूटी अंजाम दिए। पहले पोस्टर बैलेट वोटों की गिनती के लिए बाद में स्ट्रांग रूम में महफूज किए। ईवीएम को काउंटिंग हॉल में लाकर वोटों की गिनती के बाद नतीजे का राउंड के हिसाब से ऐलान किए। बालकुंडा हल्के में 2 बार विमला प्रशांत रेड्डी कामयाब हुए। 32,461 भारी अक्सरियत से जिले में सबसे ज्यादा अक्सरियत से प्रशांत रेड्डी ने कामयाबी हासिल की। बालकुंडा हल्के के आम इंतखाबात में जुमला 9 उम्मीदवार मुकाबला किए। टीआरएस उम्मीदवार वेमला प्रशांत रेड्डी को 73,538 वोट आए। दूसरे मुकाम पर मुखालिफ बीएसपी के उम्मीदवार सुनील कुमार को 41,079 वोट आए हैं। कांग्रेस उम्मीदवार इरावत्री अनिल कुमार को 30,135 वोट आए हैं। बीजेपी उम्मीदवार राजेश्वर को 3,057 रवि को 851 मधुकर राव को 850 अब्दुल फहीम को 1,026 बनर्जी को 1,171 सुधाकर को 611 वोट आए हैं। नोटा को 1,885 वोट डाले। वेमला प्रशांत रेड्डी 32,459 वोटों की अक्सरियत से कामयाब हुए। जुमला वोट 1,54,212 वोट पोल हुए। दूसरी बार प्रशांत रेड्डी एमएलए के तौर पर कामयाब हुए हैं। మరొకసారి అత్యధిక మెజార్టీ ఇచ్చిరు వారికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు పాదాభివందనాలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నా. పోయినసారి ఎట్లయితే వారికి సేవ చేసుకున్నానో ఈసారి అంతకు రెట్టింపు వారికి సేవ చేసుకునేందుకు ప్రయత్నం చేస్తా అని చెప్పి నా బాల్కొండ నియోజకవర్గ ప్రజలకు నేను మాట ఇస్తా ఉన్నా. అట్లానే మరి కేసీఆర్ గారు నాకు మరొకసారి అవకాశం ఇచ్చి ఈ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే భాగ్యం నాకు కల్పించినందుకు వారికి కూడా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నా, పాదాభివందనాలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నా. ఈ 4-4.5 సంవత్సరాలుగా కేసీఆర్ గారు మా బాల్కొండ నియోజకవర్గానికి మంజూరు చేసినటువంటి 1,000 కోట్ల రూపాయలతో ఇవాళ బాల్కొండ నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ధి చేసుకున్నందుకే గౌరవ ఎంపీ కవితమ్మ గారు
అడుగడుగునా నాకు సహాయంగా ఉండి మరి అభివృద్ధిలో పాలు పంచుకున్నందుకే ఇవాళ నాకు ఈ విజయం దక్కింది అని చెప్పి నేను భావిస్తా ఉన్నా. తప్పకుండా ఈ విజయాన్ని నాపై బాల్కొండ ప్రజలు పెట్టిన బాధ్యతగా భావిస్తూ నేను మరింత బాధ్యతాయుతంగా మరింత అప్రమత్తంతో మా నియోజకవర్గానికి ప్రజలకు సేవ చేస్తానని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటా ఉన్నా. అట్లాగే మరి ఎందరో ఎన్నో మాటలు అంగస్తుందని కొందరు, కేసీఆర్కి వ్యతిరేకం గాలి ఉన్నదని కొందరు, నిశబ్ద విప్లవం వస్తుందని కొందరు. शहर निजामाबाद में इलेक्शन कमीशन की जेर निगरानी इलेक्शन काउंटिंग अमले में लाई गई और महकमा पुलिस की जानिब से तमाम जिले में 144 सेक्शंस लागू किया गया। शहर निजामाबाद में आज पुरमन तौर पर इलेक्शन कमीशन की जेर निगरानी इलेक्शन काउंटिंग अमल में लाई गई, जिसमें पुलिस जगह जगह मौजूद थी। शहर के हालात को काबू में रखने के लिए पुलिस कमिश्नर की जानिब से 144 सेक्शन नाफिज किया गया, जिसकी वजह से सड़कें सुमसाम नजर आई और निजामाबाद जिले के 10 हलके जात के राहें दही पर सुकून और कोई नुकसान के बगैर अमल में लाई गई, जिसमें 9 हलके जात का ऐलान किया गया और 1 हलके जात इलारेडी कांग्रेस के हक में ऐलान किया गया। इस तरह से इलेक्शन कमीशन काउंटिंग की तकमील की और जब से इलेक्शन का ऐलान था जब से लेकर आज तक पूरा मन सुकून नजर आया। शहर निजामाबाद के माइनॉरिटीज हलकों में इस बार टीआरएस के हक में माइनॉरिटीज भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए, कारगुजार सीएम केसीआर के हाथ मजबूत करके तोहफा पेश किए। शहर निजामाबाद के टीआरएस के एमएलए उम्मीदवार बीकाला गणेश गुप्ता की जीत के ताल्लुक से चर्चे नजर आए और घर घर में लोग बेसब्री और बेचैनी से टेलीफोन पर नतीज का इंतजार करते रहे। हम केसीआर साहब का शुक्र गुजार है, हमको कार किसा भी जिताने का है और ऐसा हम उनके बहुत माशाल्लाह बहुत काम हुए, रोड बने, नल, हर चीज़ से हर कोई चीज़ कमी नहीं है। डिलीवरी में पैसा दे रहे हैं और ऐसा शादी मुबारक में पैसा दे रहे हैं, उनके शुक्र गुजार है हम बहुत और अच्छा काम कर रहे हैं और उनको चाह के हम हमारी फैमिली पूरी उनको वोट डाले। नौजवान मोबाइल फोन में फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पर टीआरएस की कामयाबी का इंतजार करते हुए नजर आए और दुआएं मांगते हुए कारगुजार सीएम केसीआर की जीत और हाथ मजबूत होने के लिए माइनॉरिटीज में दुआएं की गई और जगह जगह टीआरएस के नारे लगाते हुए नजर आए। मुसलमानों के बहुत से काम आगे बढ़े हैं, स्कूल्स है, पेंशन है और शादी मुबारक का है, बहुत सी चीज़ें के चंद्रशेखर राव साहब ने सीएम अपने तेलंगाना के बहुत सी चीज़ें करे हैं, आइंदा भी बहुत से करेंगे। इसलिए बोलकर भी निजामाबाद के तकरीबन आवाम कार के निशान को वोट डाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह ताला निजामाबाद से भी टीआरएस के गुप्ता साहब ही एमएलए फिर से दोबारा बनेंगे, केसीआर साहब का तो डेफिनेट सीएम है। चीफ मिनिस्टर केसीआर पेश के भलाई स्कीम थी हमको कामयाब बनाए हैं, टीआरएस उम्मीदवार ने बताया। खिदमत गुजार के तौर पर काम करेंगे, कामयाब के अवाम का शुक्रिया अदा किए। निजामाबाद शहर में पॉलिटेक्निक मैदान में कायम किए काउंटिंग के बाद कामयाब हुए टीआरएस के एमएलए उम्मीदवारों ने मीडिया पॉइंट के पास बातचीत की। आर्मोर एमएलए जीवन रेड्डी, बोधन एमएलए शकील आमिर, बालकोंडा एमएलए प्रशांत रेड्डी के साथ बांसवाड़ा एमएलए पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने मीडिया से बातचीत की। चीफ मिनिस्टर केसीआर पेश के भलाई स्कीम थी हमको कामयाब बनाए हैं बताया। केसीआर के दौर में तारीख में नहीं हुई तरक्की, अब हुई है। अवाम के भरोसों पर कायम रहते हुए मजीद तरक्की देंगे, कामयाब किए वोटर्स, अरकान वकायदीन का शुक्रिया अदा किए। बांसवाड़े हलके से भी टीआरएस उम्मीदवार को वहां की अवाम कामयाब की है। 108,697 वोटों की अक्सरियत से पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने कामयाबी हासिल की है। कामरेड्डी जिले में मौजूद बांसवाड़ा हलके में टीआरएस के एमएलए उम्मीदवार का मुकाबला किए श्रीनिवास रेड्डी, सातवीं बार इंतखाबी मैदान में रहकर कामयाबी हासिल किए। जुमला 145,132 वोट पोल हुए, इनमें पोचराम श्रीनिवास रेड्डी को 77,742 वोट आए, कांग्रेस उम्मीदवार नायडू प्रकाश को 2,960 वोट आए, डॉक्टर भीमराव को 865, के अंजया को 2,408, एम रमेश को 563, नोटा को 1,549 वोट डाले। कांग्रेस उम्मीदवार पोचराम श्रीनिवास रेड्डी 697 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल किए। ప్రజలు వాళ్ళని విశ్వసించలేదు, కేసీఆర్ నాయకత్వాన్ని ప్రజలు నమ్ముకొని ఉన్నారు. ఏమైనా చేయగలుగుతాడంటే కేసీఆర్ చేయగలుగుతాడు, ఎవరు చేయలేరు. ఈ రాష్ట్రాన్ని ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్లేటువంటి నాయకత్వం లక్షణం ఒక కేసీఆర్కే ఉంది.
వారి చేతిలోనే తెలంగాణ పెడితే సురక్షంగా ఉంటుంది, సుభిక్షంగా ఉంటుంది, సుపరిపాలన అందిస్తారని చెప్పి నమ్మకంతో ప్రజలు ఈరోజు టీఆర్ఎస్ పార్టీకి రెండోసారి పట్టం కట్టారు. మహాకూటమి నాయకులు, మహామహానాయకులు ఓడిపోయారు, వటవృక్షాలు పడిపోయినాయి. అంటే ప్రజలు కేసీఆర్ నాయకత్వాన్ని ఎంత బలంగా నమ్ముతున్నారో ఈ రిజల్టే కారణం. మేము ఈరోజు గెలిపించినటువంటి ప్రజలకు మేము అహంకారం కాదు, మాకు మేము వారి రుణం తీర్చుకోవాలి, సేవ చేసి రుణం తీసుకోవాలి. రాష్ట్ర ప్రగతి కోసం, ప్రజల సేవ కోసం పునరంకితం అవుతాం. ఇంకా రాష్ట్రాన్ని దేశంలో ఒక ఆదర్శవంత రాష్ట్రంగా తయారు చేయడానికి కేసీఆర్ నాయకత్వంలో పనిచేసుకుని ముందుకెళ్తాం. ఇప్పటికే తెలంగాణ రాష్ట్ర పరిపాలన దేశానికి ఆదర్శంగా ఉంది. ఇప్పటికే ఇంకా 5 సంవత్సరాలలో ఇంకా గొప్ప గొప్ప పనులు చేసి రైతుల యొక్క కోరికలను కానీ, పేద ప్రజల యొక్క ఆశయాలు కానీ దానికి అనుగుణంగా పనిచేసుకుంటూ రాష్ట్రాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తాం. పేద ప్రజలకు పునరంకితమవుతాం, రైతులకు పునరంకితమవుతాం. కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో మరొక్కసారి మేమందరం గెలిచినటువంటి సభ్యులందరం పూర్తి స్థాయిలో నిస్వార్థ ఆర్మూర్ ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డి ఆర్ ఆకులా లలిత కే దర్మియాన్ ముఖాబరా జారీ థా జిస్మే 30,000 కే భారీ అక్సరియత్ సే జీత్ హాసిల్ కియే. ఆర్మూర్ టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే ఉమ్మీద్వార్ జీవన్ రెడ్డి ఆర్ కాంగ్రెస్ ఆకులా లలిత మే ముఖాబరా బడే పైమానే పర్ థా ఆర్ కుచ్ హీ రౌండ్స్ మే ఆకులా లలిత కో పీచే కర్ దియా ఆర్ భారీ అక్సరియత్ సే జీవన్ రెడ్డి కా జీత్ కా ఎలాన్ హువా ఆర్ ఇన్కే హమరా మైనారిటీస్ లీడర్ సుమేర్ అహ్మద్ మొహసిన్ కే సాథ్ तमाम आर्मर के छोटे बड़े लीडर जश्न मनाए और केसीआर से जीवन रेड्डी को कैबिनेट रैंकिंग देने के लिए दरख्वास्त और जीवन रेड्डी के इजलास में अवाम का हुजूम नजर आया और हुजूम में जीवन रेड्डी को खुश आमदीद कहते हुए बैंड बाजे और पटाखों के साथ जश्न मनाते हुए आर्मर रवाना हुए. जीवन रेड्डी साहब का डेवलपमेंट है. मैं जो आर्मर हल्के असेंबली में खास तौर पे हम एक टीम बना के पूरे लोगों के साथ, मान साहब के साथ, पूरे लोगों के साथ हर एक माइनॉरिटीज के पास जाके खास तौर पे जीवन रेड्डी साहब के डेवलपमेंट के बताते हुए वोट लिए. इंशाल्लाह ताला हम हल्के असेंबली आर्मूर के तमाम लोगों से इजहार तशक्कुर कर रहे हैं कि टीआरएस के हक में वोट डाल के जीवन रेड्डी साहब को ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी से जिताए. हम कभी नहीं भूलेंगे. इंशाल्लाह ताला 5 साल हम एक खादिम की तरह काम करेंगे, आवाम का दिल जीतेंगे. माइनॉरिटीज़ के हर परेशानी, हर खुशी में, हर गम में हम शरीक होकर इंशाल्लाह ताला जीत. अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ. इंतखाबी नताइज दोपहर के बाद आए हैं. पहले से भी टीआरएस पार्टी अक्सरियत में दौड़ी है. जिले तमाम गुलाबी रंग में डूब गया है. आम इंतखाबात में जुमला 119 मुकामात पर टीआरएस पार्टी मुकाबला की है. इसी में 76 से ज्यादा मुकामात पर टीआरएस पार्टी कामयाबी हासिल की है. पहले से ही चीफ मिनिस्टर केसीआर पेश किए भलाई स्कीम व तरक्की टीआरएस पार्टी को कामयाब किए हैं. टीआरएस के उम्मीदवारों ने बताया, बिला थकान 2 माह से तशहीर करने वालों को अवाम दुआएं देकर फिर एक मौका फराहम किए. उम्मीदवार कामयाब होने से जश्न मना रहे हैं. इंतखाबात के नतायज के मुताबिक जो बताए थे वही बात हुई. 76 से ज्यादा तेलंगाना रियासत में टीआरएस पार्टी कामयाब होगी बताए थे, आखिरकार वही हुआ. निजामाबाद जिले तमाम में ख्याल करने की तरह हवा है. टीआरएस के मुवाफिक में हवा चलने से उम्मीदवारों की खुशी की इंतहा नहीं रही. 10 राउंड के बाद आ रही अक्सरियत को देखकर उनके शायकीन जश्न मनाने में डूब गए. आर्मर एमएलए के तौर पर 2 बार जीवन रेड्डी कामयाब होने से उनके शायकीन अरकान ने मिठाई तकसीम करके जश्न मनाए हैं. Thank you.
रोशन टीवी का नया अंदाज छोटे से सफर में काबिल याद अखबार आपके लिए। ज़ाहिरी खूबसूरती में किसी का कोई कमाल नहीं, कमाल तो ये है कि बातिन खूबसूरत हो, दिल साफ और सोच मुस्बित हो, यही असल खूबसूरती है। इतना गाफिल तो आंधियों से कोई रेगिस्तान भी नहीं होगा, जितना गाफिल आज का इंसान अपने रब की याद से है। एक अच्छी ज़िंदगी वो है जिसमें मुस्कुराहटें ज़्यादा हों, ख्वाब बड़े हों, कोशिश भरपूर हो, खुदा की अता करदा नेमतों की कदर हो और उसकी शुक्रगुजारी हो। इसके अलावा और क्या दलील चाहिए, अल्लाह ताला की मोहब्बत कि वो हमारे इतने गुनाह होने के बावजूद हमें ढांप कर लोगों में इज्जत देता है। आज जिन्हें बेवकूफ़ समझ रहे होते हैं, दरअसल वो आपकी हरकतें नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। मेरा वो वक्त ज़ाये नहीं होता जिस वक्त मैं दूसरों की खुशी की वजह बनता हूँ। टूटे हुए दिल को कभी जोड़ कर देखो, नेकी ये मुख्तसर है मगर हद से कम नहीं, नेकी ये मुख्तसर है मगर हद से कम नहीं। ऐसे शख्स के साथ गद्दारी कितनी बुरी है जिसने खुद को तुम्हारे सुपुर्द कर दिया हो। अल्लाह के साथ जिन लोगों का ताल्लुक जितना ज़्यादा होता है, उन लोगों में माफ़ करने की सलाहियत इतनी ही ज़्यादा पैदा हो जाती है। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। वोटों की गिनती के लिए तमाम उम्मीदवारों के साथ काउंटिंग अमला, अहदेदार, काउंटिंग एजेंट सुबह पॉलिटेक्निक ग्राउंड में हाजिर हुए। इंतखाबात कामयाबी से मुकम्मल करने में टाउन की हर एक शख्स का शुक्रिया अदा किए जिला कलेक्टर व इलेक्शन ऑफिसर राम मोहन राव। निजामबाद अर्बन हलके में की गई तरक्की ही मुझे कामयाब बनाई है, बिगाला गणेश गुप्ता ने बताया। 20,401 वोटों की अक्सरियत से बिगाला गणेश गुप्ता ने कामयाबी हासिल की। बोधन हलका असम्बली में शकील आमिर को दूसरी बार वहां के अवाम ने कामयाबी दिलाई। 8,262 वोटों की अक्सरियत से शकील आमिर अपने मुखालिफ उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी पर कामयाबी हासिल किए। शहर हैदराबाद में MIM जमात ने 8 मुकामात पर अपने उम्मीदवार नाफिज किए जिसमें से 7 मुकामात की जीत हासिल हुई। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।